तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है आप ठीक ही होंगे और आपका ये इंतज़ार मुझे वापस खींच लाया है इस दुनिया से दूसरी दुनिया की ओर। याद रहे, हमारे इस चैनल पर दिखाई गई सारी कहानियाँ काल्पनिक हैं और ना ही हम इन चीज़ों का प्रोत्साहन देते हैं। ये तो बस एक ज़रिया है आप तक पहुँचने का, ताकि आप डरावनी कहानियों से रूबरू हो सके। याद रहे, यह एक मनोरंजन चैनल है, तो बने रहे महेश के साथ कहानी चार दोस्तों की। ऑफिस के चार दोस्त काम करते करते ये प्लान बना बैठे कि उन्हें कहीं हॉन्टेड जगह पर जाना है। सुमित ने बातों ही बातों में गूगल सर्च करके जगह भी ढूंढ डाली, पर महेश के मना करने पर सबने ताना देना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब महेश को लगा कि ऐसे तो ये नहीं मानेंगे, तो झूठ बोलकर बात टाल दे और सबको ये भरोसा दिला दिया कि वो भी चलेगा। ऑफिस टाइम ख़त्म हो जाने के बाद सब अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह 8 बजे महेश अपने बेड पर लेटा सो रहा था कि अचानक महेश का फ़ोन बजा। महेश ने नींद में ही फोन उठाया तो आवाज आई, महेश महेश अबे सुनना। महेश नींद में ही बोला, हेलो बोल। सामने से सजाद ने कहा, तैयार हो जा, चल रहे हैं। ये बात सुनकर महेश नींद से जाकर उठ खड़ा हुआ और चौंक कर बोला, कहाँ चल रहे हैं, पागल हो गया क्या? सजाद बोला, तैयार हो जा, आसिफ गाड़ी लेकर आ रहा है, जल्दी कर जल्दी। हेलो हेलो, सजाद फोन काट चुका था। महेश सोच में पड़ गया कि अभी कल ही तो बात हुई थी और आज जाना भी है। महेश ये सब सोच ही रहा था कि उसे बाहर से एक आवाज आई, शायद कोई गाड़ी का हॉर्न बजा रहा है। जैसे ही महेश उठा तो फिर से उसका फोन बजा। महेश ने फोन देखा तो सजाद का था। महेश ने कहा, क्या हुआ सजाद? सजाद ने कहा, अबे तैयार नहीं हुआ, जल्दी तैयार हो, क्या कर रहा है, जल्दी कर भाई। महेश कुछ बोल पाता इतने में ही सजाद ने फोन काट दिया। महेश के दिमाग में एक बात आई कि ऑफिस की अचानक छुट्टी और अचानक जाने का प्लान, ये सब कैसे हो सकता है। महेश ने ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए तैयार होकर घर से बाहर चला गया और सोचा कि जाकर सजा से ही पूछेगा कि ये सब क्या हो रहा है। महेश थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि आसिफ की गाड़ी सामने ही खड़ी थी। महेश ने जाकर शीशे पर नॉक किया। दरवाज़ा खुलते ही महेश बोला, भाई क्या है ये सब और अचानक से कैसे? सजाद ने कहा, गाड़ी में बैठ, सब बताता हूँ। सुमित एकदम से बोल पड़ा, अबे सर से बात कर लिए मैंने, रात को मैसेज कर दिया था, उन्होंने कहा ठीक है जाओ और अब इंजॉय होगा और चलेगी दारू, चल चल आसिफ। महेश को राहत थी कि चलो ये बात है फिर तो ठीक है, पर ना जाने क्यों उसे अंदर से डर सा लग रहा था। महेश बोल पड़ा, भाई वहाँ भूत ऊत आ गया तो? सुमित हंस पड़ा, अबे ये दो पैग मार, खुद भूत बन जा। आसिफ को गाड़ी चलाते चलाते शाम हो गई। सयाद ने गाड़ी रोकने को कहा और बोला, आसिफ आसिफ यही साइड में लगा दे, भाई बहुत जोर से लगी है। आसिफ आसिफ अक्सर दारू नहीं पीता था और सफ़र के लिए ये ठीक भी था। आसिफ ने साइड में गाड़ी रोकी। सजाद जल्दी से भागकर फ्रेश होने चला गया। 5 मिनट हो चुके थे पर सुमित और आसिफ तो ऐसे बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। महेश दोनों से बोलने वाला ही था कि सजाद ने कार का दरवाज़ा खटखटाया।
महेश ने दरवाजा खोला और चिढ़कर बोला, अबे कहाँ रह गया था तू, और इतनी देर कौन लगाता भाई। वैसे ही माहौल देख जंगली जंगल है, एक घर नहीं दिख रहा। सजाद बोला, 5 किलोमीटर बाद घर भी दिखेंगे और लोग भी। गाड़ी चलाओ, तेज चलाओ। गाड़ी कुछ 2 किलोमीटर ही आगे चली होगी कि अचानक गाड़ी में न जाने कहां से धुआं भर गया और सब खांसने लगे। महेश ने दरवाजा खोला। जब धुआं थोड़ा कम हुआ तो महेश को एहसास हुआ कि सजाद गाड़ी में नहीं है। महेश ने गुहार लगाई, अबे अबे सुमित, सजाद नहीं है गाड़ी में। सुमित की आंख धुएं से बंद हुई थी। सुमित मसलते हुए बोला, अबे यही होगा, धुएं की वजह से दिख नहीं रहा होगा तेरे को। महेश ने कहा, कहां गया यार, सच में नहीं है, देख गाड़ी में, पीछे देख। सब गाड़ी में हैरान बैठे थे। बाहर एकदम घुप अंधेरा था, किसी को समझ नहीं आ रहा था। महेश ने कहा, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा था, तुम लोगों के साथ पता नहीं कहाँ चला गया वो। एक तो बीच बीच में गाड़ी से उतरने की उसकी बहुत बुरी आदत है, सुमित ने कहा। गाड़ी से कब उतरा, महेश ने कहा। अभी थोड़ी देर पहले जब उसने कहा फ्रेश होकर आता हूँ, भूल गया, तुझे नशा हो गया यार, आसिफ ने कहा। मैंने तो गाड़ी रोकी ही नहीं, सुमित ने कहा। अच्छा ठीक है रोकी थी, अच्छा ठीक है कहाँ रोकी थी गाड़ी, महेश ने कहा। यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे, जब उसने कहा फ्रेश होकर आता हूँ, सुमित ने कहा। चल आसिफ वहीं चल, चलो वहीं चलो। इस वक्त सबके दिल में डर था और घबराहट भी, पर सब इस सोच में थे कि आखिर हो क्या रहा है। आसिफ ने गाड़ी वहीं रोकी, पर रोकते ही न जाने माहौल में एक अजीब सी सहरन छा गई। ऐसा लगा मानो कि कोई यहाँ से जाने को कह रहा हो। हम सब ने उतर कर सजाद को ढूंढना शुरू किया। सजाद, सजाद, सजाद। कई बार सजाद को पुकारने के बाद जवाब में कुछ ना मिला और तीनों वापस आंखों में नमी लिए गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे कि अचानक एक आवाज ने तीनों के पैर वहीं जमा दिए। भाग जाओ यहां से, मैं कहता हूं भाग जाओ यहां से। तीनों को ऐसा लगा जैसे वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे हैं। आसिफ, सुमित और महेश पूरी ताकत से कार की तरफ भागे और गाड़ी स्टार्ट करी, तीनों वहां से निकल गए। गाड़ी कुछ ही दूर गई होगी कि अचानक गाड़ी के बोनट पर कुछ भारी भरकम सा आ गया। गाड़ी अपने आप रुक गई, पर आसिफ ने हिम्मत करके डर और साहस दोनों लिए कार का दरवाज़ा खोला और गाड़ी के बोनट को ठीक से चेक किया, पर गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। आसिफ ने कहा, शायद बोनट में कोई दिक्कत आ गई है, मैं अभी चेक करता हूँ। आसिफ को 5 मिनट हो चुके थे, समय बढ़ता जा रहा था। महेश ने कहा, भाई क्या हो रहा है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, प्लीज चलो यहाँ से यार। देख यार वो गाड़ी ठीक कर रहा है, जाकर देख पूछ कितना टाइम लगेगा यार, सुमित गाड़ी से उतरते हुए बोला। अबे भाई तू कब से सुमित ने इतना बोला ही था कि सुमित तो ऐसे खड़ा रह गया जैसे कोई मोम का पतला हो। सुमित ने देखा कि गाड़ी के बोनट को रोकने वाला स्टैंड आसिफ की आंखों के आर पार था। ये सब देख सुमित की चीख निकल गई और वो बदहवास से चिल्लाता हुआ भागकर न जाने जंगल में कहीं गायब हो गया। महेश को लगा कुछ तो हुआ है यहाँ, रुकना ठीक नहीं है। महेश हाँपता हुआ वहां से भागने लगा।
महेश की आंखों पर एक चिलचिलाती रोशनी पड़ी जिससे वो वहीं रुक गया। महेश ने रोशनी की तरफ देखा कि सयाद अपने हाथों में एक खंजर लिए महेश की तरफ आ रहा है, और महेश जब पलटा तो पीछे आसिफ खड़ा था। दोनों के चेहरे वैसे नहीं थे जैसे वो घर से निकले थे। दोनों ने महेश की तरफ आकर जैसे ही महेश को हाथ लगाया तो महेश एकदम से नींद से जागा। वो सोच में ही था कि हुआ क्या है, अचानक महेश का फोन बजा। फोन उठाते ही आवाज आई, हाँ महेश आप ऑफिस आ जाइए जल्दी, सुमित सजाद और आसिफ नहीं रहे, सुमित सजाद और आसिफ नहीं रहे। इस कहानी को सुनने के बाद आप जरूर चौंक गए होंगे कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है। मैं कहता हूँ अगर महेश जिंदा है तो वो वहाँ क्या कर रहा था, या फिर महेश ने जो सपना देखा वो एक बस जरिया है उनकी मौत की दास्तान बयां करने का। अब आपका काम सोचने का है। मैं तब तक अगली कहानी लिखता हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, और अगर आप महेश को सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।